हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.4। स्टूडेंट, इसमें पूछा है स्क्वायर कैसे क्वाड्रिलेटरल बन सकता है। तो स्टूडेंट्स, अगर स्क्वायर की चारों साइड्स अनइक्वल होंगी ना, तो वो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, कैसे स्क्वायर जो है पैरेललोग्राम बन सकता है। तो स्क्वायर खुद ही एक पैरेललोग्राम होता है, क्योंकि उसकी अपोजिट साइड्स जो है इक्वल होती है, इसलिए, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। थर्ड, हम बात करते हैं स्क्वायर कैसे रोमबस बन सकता है। तो स्क्वायर रोमबस भी होता है, क्योंकि रोमबस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं और उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। ऐसे ही सेम स्क्वायर के केस में भी होता है। नेक्स्ट, हम बात करते हैं एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है क्योंकि उसकी जो चारों जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो राइट एंगल पे होती हैं और अपोजिट साइड्स जो हैं इक्वल होती हैं, इसीलिए हम उसको रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।